नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है समकालीन चित्रकार, रेखा चित्रकार व कवि हेमंत जोशी जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। सभी दर्शकों को मेरा मनःपूर्वक प्रणाम और नए साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा जन्म मुंबई के नज़दीक वसई जिले में आगाशी नाम के गांव में हुआ। उसी गांव के काशीदास गेलाभाई हाईस्कूल में मैंने एसएससी तक की पढ़ाई की। बाद में मुंबई की बांद्रा कला महाविद्यालय से मैंने अप्लाइड आर्ट का डिप्लोमा महाराष्ट्र में मेरिट के साथ दूसरे नंबर से प्राप्त किया। पीछे मुड़कर देखूं तो यह महसूस होता है कि चित्रकला के लिए आवश्यक फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता मुझे मेरे माता पिता से ही नहीं बल्कि स्कूल के शिक्षकों से भी मिली। स्कूल में हफ्ते में सिर्फ एक एक घंटे के दो अवधि चित्रकला के विषय के लिए रहते थे, जिसमें एक असाइनमेंट या तो विषय दिया जाता था। मुझे याद है मैं हर रोज़ घर में एक चित्र बनाया करता था और हमारे चित्रकला शिक्षक को उसी पीरियड में दिखाया करता था। उसी चित्र को असाइनमेंट के रूप में ही सर मुझे मार्क्स देते थे। बहुत सारे ऐसे चित्रों से ही मेरी स्कूल की फाइल बनी थी। ये स्वतंत्रता के साथ मुझे कला महाविद्यालय में मिला मेरा माध्यम, उसका एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिप्लोमा के फाइनल एग्जाम में मैं काम कर रहा था, तभी तत्कालीन सुप्रसिद्ध कलाकार और महाराष्ट्र के कला अधिष्ठाता बाबूराव सडवेलकर जी परीक्षा गृह में चक्कर लगाने आए थे। मेरे पीछे खड़े मेरा काम देख रहे थे, जिसका मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने पीछे देखा तो मेरी फट गई। मैंने नाम बताया और उनको सॉरी सर, मैंने आपको नहीं देखा था कहा। मेरे पीठ पर हंसकर हाथ रख के उन्होंने कहा, काम अच्छा कर लेते हो, शाम को मेरे केबिन में आकर मिलो, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, और हंसते हंसते चले गए। जी हेमंत जी, यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ गया है, अब इसके बाद ज़रूर बताइएगा क्या हुआ था। शाम को धीरज बना के लेकिन अंदर से घबराया हुआ मैं उनके केबिन में पहुंचा। मैं जो इंक मीडियम में काम कर रहा था उसके बारे में उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ पूछा, काफ़ी सारे सवाल किए, लेकिन जाते जाते मुझे बताया, हेमंत दिस मीडियम कैन मेक योर लाइफ, इसमें तुम अपनी पहचान बना सकते हो, इसे पकड़ के रखो। आज भी मैं इंक में काम करता हूँ और उसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मेरे पहले प्रदर्शनी में मैंने इंक में बनाई हुई कुछ पेंटिंग भी लगवाई थी। आज वो स्वातंत्र्य और माध्यम ये दोनों के साथ मैं चल रहा हूँ। जी हेमंत जी, गुरुओं का व वरिष्ठ लोगों का अनुभव जो आपको मार्गदर्शन देते हैं व देते हुए आए हैं, उन लोगों की बातें हमेशा जीवन में काम आती हैं। अच्छा, हम कुछ लाइन ड्राइंग्स पे जो आप लिखते हैं व कविताएं जो आप रचते हैं, तो हम जानना चाहते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई और ड्राइंग्स और पेंटिंग जो आप एक रेगुलर टाइम कब से देना शुरू किया आपने? कॉलेज के बाद मैंने कई एड एजेंसीज में काम किया, मेरी पहचान बनाई। एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर पद संभालते संभालते मैंने मुंबई में मेरा खुद का डिज़ाइन स्टूडियो शुरू किया था। व्यावसायिक कामों के साथ अब मैंने मेरे अंदर छुपे हुए फाइन आर्ट की तरफ ध्यान देना भी शुरू किया था, क्योंकि मैं मेरे वक्त के अनुसार और मेरे चॉइस के अनुसार अभी काम कर सकता था। हर शुक्रवार को व्यावसायिक काम बंद करके अकेले या चित्रकार मित्रों के साथ तीन तीन दिन मैं लैंडस्केप पेंटिंग करने के लिए, आर्ट के विषय में चर्चा करने के लिए,
अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ने के लिए अपना वक्त निकालना शुरू किया था। जी हेमंत जी, एक प्रश्न हमारे दर्शकों की ओर से आया था कि आज के दौर में कला को समझने व उसका एक सही स्थान प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा, एक जिम्मेदारी समाज के प्रति व समाज के लोगों को एक कला जगत के प्रति ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस विषय किस चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस विषय में ज़रूर कुछ बोलिएगा। शायद मेरा ये विधान स्फोटक होगा, लेकिन मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जिनके टॉयलेट्स भी लाखों खर्च करके सजे हैं और घर करोड़ों में, लेकिन एक छोटा सा ड्राइंग भी दीवार पर नहीं सजता। यह कलाकार की भी जिम्मेवारी है कि हम उन तक उस अंदाज में नहीं पहुंच पा रहे हैं। न जाने हम जीवन के सौंदर्य अनुभव को कहां कहां खोएंगे। रोज का जीवन रुक्ष एक चौकट में बंद फ्रेम्ड और डेली रूटीन होने का डर है, मोनोटोनस। गए 2 साल में पूरी दुनिया कोरोना के चपेट में आ गई, न जाने कितनों ने क्या क्या खोया। मुझे आनंद है और समाधान है कि अनेक कलाकारों ने, संस्थाओं ने अपनी पेंटिंग्स बेचकर मिले हुए पैसे राहत कार्य में लगा दिए। आज मेरी सभी को यह प्रार्थना है कि कलाकार को उचित सम्मान दे, क्योंकि वह एक ईश्वरीय देन है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं, बहुत देर से मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि जैसे आप बहुत से चीज़ें ऐसे हैं जो हम कलर्स में देखते हैं व पेंटिंग्स में देखते हैं, आपके ड्राइंग्स इतना सिंप्लीफिकेशन में कैसे आया, इतना सिंपल कैसे हुआ, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। मैंने मेरे काफ़ी सारे अनुभव शब्दबद्ध किए हैं, कई न्यूज़पेपर्स में और कई किताबों में वो प्रकाशित भी हुए हैं। कुछ मेरे ब्लॉग पर सौंदर्य अनुभव नाम से आप पढ़ सकते हैं। जब मैं कुछ ललित लेखन करता था तब कई बार उसको कविता के रूप में ढालने की कोशिश भी करता था। 1000 शब्दों का विषय चंद शब्दों में आशय के साथ सिमटना बहुत चैलेंजिंग, वही कविता की सोच मैंने मेरे ड्राइंग में लाने की कोशिश की। गिने चुने रेशाओं के साथ आशय विषय अवकाश को ढूंढने की, चित्रित करने की कोशिश मैं आज करता रहता हूँ, जिसमें मुझे बड़ा आनंद मिलता है। स्वांताय सुखाय। जी बिल्कुल, और दूसरी बात हेमंत जी, जब हम चीज़ों को और सिंपल और चीज़ों को जितना क्लियर रखते हैं, चीज़ें उतनी ही खूबसूरत दिखने लगती हैं। स्पेस को हम जितना नेट एंड सिंपल रखने जाते हैं, क्लियर करने जाते हैं, उतना वो चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ है, इन जो चित्रकला व इन चीज़ों का एक लाइनअप होता है या एक तंत्र से जुड़ा हुआ एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से जिसकी एक शाख बोल सकते हैं, वो कहाँ से आई, वो किस तरह से आई, इस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ बोलिएगा। हम 64 कला को पुराणों से मानते आ रहे हैं, उनमें से कई कला विधि को तो अच्छी पहचान भी मिली है। दृश्य कला शिल्पकला की बात करें तो गिने चुने कलाकारों को छोड़कर अन्य को अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग अपने कुटुंब की गरज मिटाने में ही खर्च करना पड़ता है। दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहां लोग, घर कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, कम से कम एक ओरिजिनल पेंटिंग अपने घर में लगाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, करना चाहिए और इससे एक कला के प्रति लगाव और बढ़ता है। अच्छा, अब हम अंतिम प्रश्न की ओर जाते हैं। जो अभी नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, वह कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो इस फील्ड में नए नए आए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है जो उनको जीवन में काम आए? मुझे लगता है निर्माता ने हमें 2 आँखें दी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सके या उसका अवलोकन कर सके। दूसरी बुद्धि, जिससे अच्छी चीज़ें समझ ले और ढूंढ ले। चित्रकला साधना है, उसके साथ भक्ति की भी आवश्यकता जरूरी है।
मेरी इसी विषय की एक कविता और रेशा को लेकर यह बातचीत का दौर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कविता मराठी में जरूर है लेकिन समझने में आसान। एक बिंदु ब्रह्म दूसरा महेश, एक बिंदु ब्रह्म दूसरा महेश, दोन बिंदु मधे वसते रेश। एक बिंदु ब्रह्म दूसरा महेश, दोन बिंदु मधे वसते रेश। ही रेश साक्षात्कारी, अनेक रूप सहज साकारी, अवघ्या अवकाशी मुक्त संचारी। ही रेश साक्षात्कारी, अनेक रूप सहज साकारी, अवघ्या अवकाशी मुक्त संचारी, अव्यक्तातली व्यक्त रेश, अव्यक्तातली व्यक्त रेश। एक बिंदु भक्त दूसरा ईश्वर, एक बिंदु भक्त दूसरा ईश्वर, या दोघांमधले नुरते अंतर। एक बिंदु भक्त दूसरा ईश्वर, या दोघांमधले नुरते अंतर। श्रद्धा भक्ती साधना, श्रद्धा भक्ती साधना तपस्या पूजा, श्रद्धा भक्ती साधना तपस्या पूजा होते रेश, श्रद्धा भक्ती साधना तपस्या पूजा होते रेश। जी हेमंत जी, बहुत ही खूबसूरत कविता थी ये, और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं और आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने इतना समय निकाला इस बातचीत के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी, और जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, एक डेटाबेस बना रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ही है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, आप जितना शेयर करेंगे उतना आपका ज्ञानवर्धन होगा और ये अनुभव हैं जो आप लोगों को जीवन में काम आएंगे। तो इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर करें, उससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरह की खामियां हैं व किस तरह से हमें और इस बातचीत को अच्छा करना है। तो आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।